60 और 70 की दशक की पॉपुलर अभिनेत्रियों में से एक मुमताज की खूबसूरती के चर्चे आज भी फिल्म इंडस्ट्री में होती है। मुमताज की गिनती अपनी दौर की सुपरहिट अभिनेत्रियों में होती है। मुमताज ने बड़ी बड़ी आंखें, गोरे रंग और अभिनय के कला से सभी पर अपना जादू बिखेरा था। अपनी शर्मिली अदाओं, चुलबुले और नटखट अंदाज के साथ जब भी मुमताज बड़े पर्दों पर आती थी तो दर्शक उनके दीवाने हो जाते थे। वह अपनी दौर की ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी खूबसूरती पर पूरा हिंदुस्तान मरता था। उनकी सुंदरता का कायल न केवल दर्शक थे बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सुपरस्टार भी थे। इन्हीं में से एक सुपरस्टार थे जो मुमताज को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते थे, लेकिन दोनों की लव स्टोरी इस कदर अधूरी रहेगी। सुपरस्टार ने डिसाइड किया कि वह किसी भी एक्ट्रेस से शादी नहीं करेंगे। हम बात कर रहे हैं शम्मी कपूर की। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार शम्मी कपूर और प्यार के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। उस समय दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने दर्शकों का दिल चुरा लिया था और इसके साथ ही ये जोड़ी दर्शकों की फेवरेट जोड़ियों में से एक बन गई थी। यह गाना फिल्म बॉलीवुड की हिट फिल्म ब्रह्मचारी का था। ब्रह्मचारी पहली और इकलौती फिल्म थी जिसमें शम्मी कपूर और मुमताज ने साथ काम किया था। महज इसी फिल्म में साथ काम करते वक्त शम्मी कपूर मुमताज की खूबसूरती पर फिदा हो गए थे। इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान मुमताज ने शम्मी कपूर बताया कि वह भी उन्हें पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, शम्मी कपूर मुमताज के पहले क्रश थे। जब शम्मी कपूर को मुमताज की दिल की बात पता लगी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उनका झुकाव और भी मुमताज की तरफ बढ़ता चला गया। फिल्म के शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। इनकी लव स्टोरी सभी के जुबान पर चढ़ गई। बॉलीवुड के गलियों में दोनों के प्यार के किस्से खूब सुर्खियां बटोरी। दोनों के बीच उम्र के फासले भी कभी उनके बीच के प्यार को कम नहीं कर पाए। फिल्म में साथ काम करते करते शम्मी कपूर मुमताज के नजदीक आ गए थे। मुमताज और शम्मी कपूर के बीच प्यार का परवान इस कदर चढ़ चुका था कि कई वर्षों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद एक दिन शम्मी कपूर ने मुमताज को प्रपोज करते हुए अपनी दिल की बात कही। अभिनेत्री के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हुए शम्मी कपूर ने एक ऐसा शर्त सुनाया कि शादी के बाद वह फिल्मों में काम नहीं करेगी। मुमताज की उम्र उस समय 17 साल थी। वह बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। शम्मी कपूर के इस शर्त भरे प्रस्ताव को सुनकर मुमताज ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया। शम्मी कपूर उनसे 20 साल बड़े थे और सफल कलाकार भी थे, लेकिन मुमताज के सामने एक लंबा करियर पड़ा था। इसके बाद शम्मी कपूर का दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने डिसाइड किया कि किसी भी हीरोइन से शादी नहीं करेंगे और नीला देवी से शादी कर लिया। साल 1974 में मुमताज ने मयूर मधवानी से शादी कर ली।